स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल में। सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे। सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग, राधे राधे। सभी को बहुत बहुत बधाइयां हो, क्योंकि राजस्थान के अंदर जो अब है नई भर्तियों का दौर, नई भर्तियों का सिलसिला है जो शुरू हो चुका है और भर्तियों पर भर्तियां निकल रही है। तो हमें जरूरत है अपनी एक अच्छी रणनीति बनाने की, अपना एक उद्देश्य चुनने की। आज टाइम आ चुका है कि 2024 को है अपन खाली नहीं जाने दें। अपना जो मकसद है, जिस भी वैकेंसी को अपन पाना चाह रहे हैं, उसके लिए आज से ही शुरू कर दें और ना इंतजार करें कि अभी उस चीज की वैकेंसी, पता ही नहीं चलता कि शाम को देख के सोते हैं कि अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, या इस चीज का नहीं, सुबह उठते हैं तो कोई ना कोई नोटिफिकेशन किसी ना किसी भर्ती का जरूर आ गया। हाँ जी, तो मैं बात कर रही हूँ कि राजस्थान के अंदर आरपीएससी ने, संस्कृत विभाग ने टीचर की वैकेंसी निकाली है सेकेंड ग्रेड की। और आज अपन जो है सेकेंड ग्रेड वाले पे भी डिस्कशन करेंगे। और ये कौन सा विभाग है? संस्कृत विभाग है, ठीक है। संस्कृत विभाग से देखिए, संस्कृत शिक्षा आरपीएससी, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर, नोटिफिकेशन कब हुआ है इसका जारी? 31/1/2024 को, ठीक है। इसके अंदर जो है संस्कृत विभाग ने सेकंड ग्रेड के लिए, ठीक है, देखिए, अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ लिपिक वर्गीय और चतुर्थ श्रेणी सेवा, ठीक है, इसके अंदर वरिष्ठ अध्यापक सीनियर टीचर के लिए निम्नलिखित विषयों के कुल 347 कितने पद हैं जी? 347, ठीक है, 347 टोटल सीटें हैं। और सब्जेक्ट है संस्कृत का है, हिंदी है, इंग्लिश है, ठीक है। और अभी आगे और देख लेते हैं, सामाजिक विज्ञान का, गणित का, और छठा अपने पास है साइंस का, ठीक है। और इसके अंदर ये जो दे रखी है सीटें दे रखी है कि किसके अंदर कितनी सीटें हैं। अभी मैं बात करूं संस्कृत सब्जेक्ट की, तो इसके अंदर 66 सीटें हैं, ठीक है। ये हॉरिजेंटल इस टाइप से, जनरल में एससी एसटी ओबीसी एमबीसी ईडब्ल्यूएस सबके लिए सीटें हैं जो डिफाइन की गई है, सभी के अंदर डिवाइड किया हुआ है, अच्छे से उन्होंने बता रखा है, ठीक है, कि जनरल में सीटें हैं कितनी है, टोटल कितनी है, जनरल की कितनी है, जनरल डब्ल्यूई वालों की कितनी है, विडो के लिए कितनी है, डिवोर्स वालों के लिए कितनी है, ओबीसी, सब पूरी डिटेल इसके अंदर है आपके पास, ठीक है। आप आराम से जो भी जिस सब्जेक्ट से हो आप इसको देख सकते हो, पढ़ सकते हो। इसका जो लिंक है पीडीएफ का, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप ये पीडीएफ डाउनलोड करके अच्छे से इत्मीनान से पढ़ सकते हो, पढ़ भी लेना, ठीक है। तो ये है, आगे देखिए क्या कुछ दे रखा है इन्होंने इसके अंदर। हिंदी के अंदर भी जो है, हिंदी के अंदर है 34 सीटें हैं, ठीक है। इंग्लिश के अंदर टोटल है 46 सीटें हैं, ठीक है। और सामाजिक विज्ञान के अंदर 61 है, और सामाजिक विज्ञान एसए के अंदर 4 सीटें। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, जिनका लिए रिजर्वेशन है, एक्स सर्विसमैन है, ठीक है, हैंडीकैप्ट है, विडो है, उन सबके लिए क्या है रिजर्वेशन ऑलरेडी इसके अंदर मेंशन किया हुआ है। साइंस की जो सीटें हैं टोटल है 47, टोटल सीटें हैं जो अपने पास है 47 है, ठीक है, 47 सीटें हैं। और एक्स सर्विसमैन जनरल के लिए, अनरिजर्व कैटेगरी की भी है, एससी एसटी सबके लिए अच्छे से बताया हुआ है। आगे बात करते हैं, देखिए अब देखिए इसका जो है विशेष नोट में इन्होंने क्या लिखा है कि अनुसूचित क्षेत्र में, अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी गैर अनुसूचित क्षेत्र की रिक्तियों के विरुद्ध भी आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए अनुसूचित क्षेत्र के निवासित अभ्यर्थी अनुसूचित क्षेत्र और गैर, मतलब टीएसपी और नॉन टीएसपी सभी के लिए इसमें फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हो, और जो अपना फॉर्म है वो ऑनलाइन आवेदन अपने से मांगे गए हैं, ठीक है। हाँ जी, आगे चले, संस्कृत विषय के लिए अपने पास अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता, योग्यताएं क्या क्या अपने पास होनी चाहिए, बात आ जाती है क्वालिफिकेशन की कि क्या होना चाहिए। संस्कृत विषय के लिए है शास्त्री होना चाहिए, उसके अंदर जो भी उसके इक्विवेलेंट डिग्री होती है 2 साल की वो अपने पास होनी चाहिए, ठीक है। हिंदी अंग्रेजी और गणित में भी सेम है, ग्रेजुएशन होना चाहिए। और जो हिंदी के लिए है, इंग्लिश के लिए है, गणित के लिए है, ठीक है। और बीएड तो होना ही चाहिए टीचर के लिए, तो बीएड भी है, और इनमें से अपने पास ये सब्जेक्ट भी होने चाहिए।
सामाजिक विज्ञान विषय के लिए, विज्ञान विषय के लिए क्या है कि ग्रेजुएशन होनी चाहिए अपने पास, ठीक है, और बीएड होना चाहिए, और ग्रेजुएशन के अंदर अपने पास या तो ऑप्शनल सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, है ना, तो ये डिग्री है, और डिप्लोमा अपने पास होना चाहिए बीएड का, तो ये चीजें होनी चाहिए अपने पास। आगे जो है देखिए, आगे दे रखी है शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान क्या है। अब इस चीज को देखिए, अब फिर आप कहोगे कि मैडम अपीयरिंग वाले बच्चे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो उन बच्चों को मैं कहूंगी प्लीज आप यहाँ ध्यान से देखें, ध्यान से पढ़ें इसको और सुने समझें क्या लिखा है। देखिए, उक्त पदों की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन कर सकता है। अब इन्होंने ये कह दिया यहाँ पे कि अगर आप बीएड कर रहे हो, ठीक है, बीएड में आप फाइनल ईयर के अंदर हो, या तो एग्जाम हो गए हैं अभी आपके, या फिर आपने के एग्जाम होने वाले हैं, मतलब आप बीएड अपीयरिंग हो, आप आवेदन तो कर सकते हो, परंतु किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना पड़ेगा। मतलब जब ये फाइनल एग्जाम लेंगे, ले दे के ये यही कह रहे हैं कि जब आप परीक्षा के अंदर बैठो तब आपके पास बीएड की मार्कशीट आपके हाथ में होनी चाहिए, कुछ भी अपीयरिंग नहीं होना चाहिए। बात ये, आवेदन पत्र तो मांग रहे हैं, ठीक है, आवेदन पत्र तो मांग रहे हैं कि अगर आप बीएड फाइनल ईयर में हो तो आप फॉर्म अप्लाई कर दो, ठीक है, परंतु जब आप परीक्षा अटेंड करने जाओगे तब आपके पास बीएड की मार्कशीट होनी चाहिए, रिजल्ट आ जाना चाहिए, तो ये बात ऑलमोस्ट ये कह रहे हैं, ठीक है। पे लेवल है, मैट्रिक पे लेवल है जो 11 का है, अच्छी खासी अपने को सैलरी भी मिलेगी, और आयु सीमा है खूब सारी है, 18 से 40 वर्ष तक है, और कैटेगरी के हिसाब से सबको एज में रिलैक्सेशन भी है, 5 साल 10 साल कैटेगरी के हिसाब से, जैसे सामान्य अनारक्षित वर्ग की महिला है उसको 5 साल के लिए है, विधवा है, परित्यक्ता है, तलाकशुदा है, उसके लिए कोई आयु सीमा नहीं है। देख लेते हैं अब इसमें फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे। पहले उससे पहले शुल्क की बात कर लेते हैं, शुल्क की बात कर लेते हैं क्या है कि ऑनलाइन आवेदन तो होगा, ठीक है, जनरल वालों से 600 रूपये लिए जाएंगे, ओबीसी वालों से 400 रूपये, और एससी एसटी है उनसे 400 रूपये लिए जाएंगे, ठीक है, ये अपना फीस का क्राइटेरिया रहेगा। हाँ जी, अब आ जाती है पेपर, पेपर होंगे दो, ठीक है, पेपर फर्स्ट होगा और पेपर सेकंड होगा। हाँ जी, उससे पहले पेपर पे डिस्कशन करें, स्कीम देखें, सिलेबस देखें, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि राजस्थान के अंदर जैसे ही नई नई वैकेंसियों का नोटिफिकेशन आता है तो हम हमारे चैनल पर सबसे पहले बताने की पूरी कोशिश करते हैं, तो इसीलिए आपको भी टाइम टू टाइम वैकेंसियों के बारे में पता चले कि कौन सी वैकेंसी के लिए क्या नोटिफिकेशन आया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए अब बात करते हैं कि इसमें पेपर दो होने वाले हैं, सेकंड ग्रेड का है, पेपर दो होगा, पेपर फर्स्ट होगा अपना, ठीक है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। जो पेपर फर्स्ट है, ठीक है, वो 200 मार्क्स का होगा, ठीक है, 200 नंबर का होने वाला है, 2 घंटे होगा, ठीक है, 2 घंटे होगा, जिसके अंदर क्या होगा, क्वेश्चन अपने पास कितने होंगे, क्वेश्चन अपने पास 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, सारा कुछ लिखा हुआ है पीडीएफ में, अपन आपको लिंक दे देंगे और ये चीजें आप भी इसके अंदर से अच्छे से पढ़ सकते हो। हाँ जी, 80 नंबर का जो है राजस्थान की ज्योग्राफी आएगी, हिस्टोरिकल आएगा, कल्चर आएगा, जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान के बारे में पूछा है, करंट अफेयर आएगा राजस्थान का कितने का, 20 नंबर का, ठीक है, जनरल नॉलेज आएगी ऑफ वर्ल्ड ऑफ इंडिया की कितने नंबर की, 60 नंबर की, और एजुकेशन साइकोलॉजी आएगी अपने 40 नंबर की, तो टोटल मार्क्स हो गए अपने पास 200, क्वेश्चन हो गए अपने पास 100, ठीक है, और 2 घंटे का टाइम है। ये तो फर्स्ट पेपर की बात होगी, अब जिसका जो सब्जेक्ट है ये तो सबका सेम होगा, ठीक है, सबके लिए सेम है, जिसका जो भी, संस्कृत वाले के लिए भी, हिंदी वाले के लिए, इंग्लिश वाले के, साइंस वाले, मैथ वाले, सबके लिए सेम सिलेबस रहेगा ये, और ये जो चीज है वो उसके पेपर का जो होगा, जो उसका सब्जेक्ट है उसका है, उसके लिए भी सेम ही है, उसमें सब्जेक्ट खुद का आना है। पेपर सेकंड की बात करते हैं,
तो देखिए क्या है, द क्वेश्चन पेपर विल कैरी मैक्सिमम 300 मार्क्स, ठीक है 300 नंबर का पेपर होगा, टाइम मिलेगा अपने पास 2.5 घंटे, ठीक है 2 घंटे 30 मिनट का टाइम है, क्वेश्चन कितने आने वाले हैं 150 क्वेश्चन आएंगे, ये सब्जेक्ट का है अपना, सब्जेक्ट के अंदर 180 मार्क्स का तो क्या होगा अपना सब्जेक्ट होगा, ठीक है इसके अंदर जो भी अपने को स्टैंडर्ड अबाउट रिलेवेंट सब्जेक्ट मैटर जो भी होगा उसके अंदर 80 मार्क्स का ये है, और टीचिंग मेथड ऑफ रिलेवेंट सब्जेक्ट, टीचिंग मेथड आएंगे, ठीक है वो जैसे अपने रीट वगैरह में आते हैं उसी हिसाब से ये 40 मार्क्स ही हो, तो टोटल अपने पास कितने हो जाएंगे 300 नंबर के एग्जाम होगा अपना, जो अपना सेकंड पेपर है सब्जेक्ट का पेपर है, और 150 इसमें क्वेश्चन होंगे। अब एक और नई बात जो अब अपने जितने भी राजस्थान के अंदर एग्जाम होंगे सबके अंदर ये जो चीजें अपने को देखने को मिलेगी, और कहीं ना कहीं ये बहुत ही सही बात भी है, क्या है वो देखिए, ये लिखा है कि उक्त पद हेतु आयोजित की जाने वाली परीक्षा के लिए OMR जो उत्तर पत्रक में प्रश्नों में विकल्प भरने के संबंध में कुछ अच्छे नोट्स दिए हुए हैं, इन्होंने नोट बना के लिखा है अच्छे से कि भाई आपने क्या करना है, पहले तो अपने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ठीक है ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होने वाला है, तो इसके अंदर पहले अपने पास ABCD 4 ही ऑप्शन होते थे, अब इन्होंने क्या कर दिया 5वां भी कर दिया, तो अपने को 5वां भी फुलफिल करना है बबल, ठीक है 1 सर्कल इंक्लूडिंग द करेक्ट आंसर ऑन द आंसर शीट यूजिंग ब्लू वॉल पॉइंट पेन, ठीक है ब्लू वॉल पॉइंट पेन से अपने को पांचों के पांचों हैं जिसका आंसर आ रहा है, जो भी आंसर है अपने को 1, 2, 3, 4 में से चुनना है, और उसको अटेम्प्ट नहीं कर रहे या फिर अपने को वो क्वेश्चन आ ही नहीं रहा तो अपने को 5वां ऑप्शन जो भी होगा उसके अंदर भरना होगा कि भाई मैंने ये मेरे को आ ही नहीं रहा क्वेश्चन, भरना इसको जरूरी है, ठीक है अगर नहीं भरेंगे तो क्या कर देंगे भाई, वो नहीं भरेंगे तो ये देखिए ए कैंडिडेट हु हैज नोट डायरेक्ट, ठीक है एनी ऑफ द 5 सर्किल इन मोर देन 10% क्वेश्चन शैल बी डिस्क्वालिफाइड, ठीक है अगर टोटल में से आपने 10% तो जो 5वां ऑप्शन नहीं भरा, ठीक है तो आपको डिस्क्वालिफाई कर देंगे, ये कह रहे हैं ये। बात करते हैं कि एग्जाम जो होगा उसमें चयन प्रक्रिया क्या रहेगी अपनी, तो चयन प्रक्रिया के अंदर देखिए किस तरह से होगा कि अभ्यर्थियों का चयन है जो लिखित परीक्षा के माध्यम से होगा, और ये एग्जाम है जो ऑफलाइन होगा, ठीक है ऑफलाइन होगा, और परीक्षा का स्थान और महा ये कह रहे हैं कि परीक्षा का स्थान और तिथि के संबंध में यथा समय सूचित किया जाएगा, अभी कोई हमें ही नहीं पता कि हम परीक्षा कब लेंगे, कहने का मतलब इनका ये है। आगे देखिए परीक्षा योजना में पाठ्यक्रम क्या रहेगा, कि स्कीम क्या रहेगी पेपर की, तो प्रतियोगी परीक्षा संबंधी सेवा नियम के अनुसार आयोजित की जाएगी, उक्त नियम में उल्लेखित परीक्षा योजना के अनुसार परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप में ली जाएगी, तो मैंने पहले ही आपको बता दिया कि ये क्या होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, और आवेदन कब से भरे जाएंगे, तो आवेदन है जो 6 फरवरी 2024 से लेकर के 6 मार्च 2024 तक इसके फॉर्म है जो रात्रि 12 बजे तक भरे जाएंगे, OTR है वन टाइम रजिस्ट्रेशन है SSOID के द्वारा भरा जाएगा, जैसे SSOID तो अपनी सभी की बनी हुई है ना, तो उसी से SSOID से भरा जाएगा, और मैं बार बार कह रही हूँ कि इसका जो लिंक है वो हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप PDF डाउनलोड कर लेना, फिर भी आपको किसी प्रकार की कोई क्वेरीज है तो आप हमें कमेंट करके कमेंट में बताना और हम आपकी क्वेरी का आंसर जरूर देंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।